जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में राफेल कॉम्बैट जेट शामिल हो गए हैं। फ्रांस से उड़ान भरे 5 राफेल बुधवार दोपहर अंबाला एयरबेस पर लैंड कर गए। इसके साथ ही वायुसेना की युद्ध क्षमता में बहुत इजाफा हुआ है। राफेल की काबिलियत ऐसी है कि इसकी डिमांड कई अन्य देशों में भी है। राफेल बनाने वाली फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन ने भारत के अलावा कई दूसरे देशों को भी इसकी बिक्री की है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बने राफेल को भारत ने अपनी ज़रूरतों के अनुसार उन्नत कराया है। ये भारतीय वायुसेना के फ्लीट में शामिल सबसे घातक फाइटर जेट होंगे, जिनकी क्षमता चाइनीज J-20 और पाकिस्तान के F-16 से भी ज़्यादा होगी। फिलहाल तो ये लड़ाकू विमान भारतीय एयरफोर्स की ताकत आसमान में और बढ़ाने वाले हैं। वैसे भारत पहला देश नहीं है जिसने फ्रांस से राफेल खरीदा है, इसके पहले भी कुछ देश इसके डील कर चुके हैं। राफेल एक ऐसा विमान है जो एक मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। ये 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है जो भारतीय वायुसेना की पहली पसंद है। हर तरह के मिशन में इस विमान को भेजा जा सकता है। तो अब जबकि हमारे भारत देश में राफेल विमान ने एंट्री मार ही दी है, तो हमारे देश के देशवासी बहुत खुश हैं और सभी का कहना है कि अब दुश्मन देशों की खैर नहीं। तो हम सभी की आशा है कि अब चीन और पाकिस्तान को हमारा देश मुंहतोड़ जवाब दे।